नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी चयनित अभ्यर्थियों या अचयनितों सभी सरकार की नीतियों से काफ़ी परेशान हैं। आए दिन आप मीडिया में देख रहे होंगे, प्रिंट मीडिया में देख रहे होंगे, शिक्षा मंत्री किस तरीके से अपना बयान दे रहे हैं, चाहे चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र देने के मामले में बातचीत हो या अचयनितों की थर्ड राउंड काउंसलिंग लगाने के संदर्भ में बातचीत हो। दोनों मामले में शिक्षा मंत्री चुप्पी साध रखी है। विभाग इस चीज़ को टालमटोल लगातार करते आ रहा है क्योंकि उनकी मंशा साफ साफ इस बहाली को लंबा खींचने की, क्योंकि पहली बात उनका कोई ऐसा ठोस आधार नहीं जिसके बेस पे वो लोग इस चीज़ को लंबा खींच सके। सरकार बार बार एक ही बात कहती है, आज हम उनका स्टेटमेंट सुनते होंगे कि हमने इस बहाली को कहाँ से खींच के लाई है, गाड़ी कहाँ फंस गई थी, कहाँ से इसको निकाला गया है। ये इस तरीके से बयान दे देता है कि सामने वाला ये बंदा सोचे कि सरकार बहुत कुछ इनके लिए कर रही है, जबकि वास्तविकता ये कि इस बहाली को 2019 के दिसंबर तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये 2021 में भी पूरी होती हुई नज़र नहीं लग रही, क्योंकि इसके पीछे सरकार की दोहरी मानसिकता साफ साफ झलक रही है। ऐसे में जो चयनित अभ्यर्थी लगातार वो नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से हो, और जो अचयनित हैं, जो हमारे कुछ साथी संघर्ष से साथी छूट गए हैं, उनके लिए जो रिक्त सीटें हैं उन पर थर्ड राउंड काउंसलिंग लगाई जाए, इसकी बार बार गुहार सचिवालय अधिकारियों से लगा रहे, लेकिन उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है, जिसके फलस्वरूप बिहार के शीर्ष नेतृत्वकर्ता कोर टीम एवं हमारे संघर्षशील साथियों ने एक फैसला किया, निर्णय लिया है कि इस चीज़ को लेकर अब बिहार सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, वैसा दबाव जिसके बाद बिहार सरकार की नींद खुलेगी और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर थोड़ी वो सजग होगी और हमारी मांग को प्रमुखता से मानेगी। दोस्तों, मैंने अभी कुछ पॉइंट्स बोर्ड पर लिखे हुए हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा कि हमारी एक रणनीति बन चुकी है, क्योंकि अब बहुत देर हो चुका है। बिहार में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, आचार संहिता लग चुकी है, अभ्यर्थियों को रात दिन नींद नहीं आ रही है, परेशान है नियुक्ति पत्र को लेकर और थर्ड राउंड काउंसलिंग को लेकर। तो हम सभी अभ्यर्थियों का दायित्व तो बनता है कि इन दोनों मांगों को प्रमुखता से उठाया जाए, और इसलिए जो भी कुछ करना हो हम सब मिलकर इस चीज़ को करेंगे। दोस्तों, हम लोगों की गूगल मीट पर मीटिंग थी जहाँ पर कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, वो सारे फैसले चयनित अचयनित दोनों के हित को ध्यान में रखकर लिया गया, जिसमें कि सरकार से हमारी कई मांगों को सामने रखा जाएगा। इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और मैं आपको बताऊंगा क्या हमें करना है, क्या प्लानिंग है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और रिक्वेस्ट करता हूं इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके। दोस्तों, कोर टीम जो मीटिंग किया था वहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि 1 सितंबर को सभी जिलों में मीटिंग एवं DEO DPO एवं DM को ज्ञापन। दोस्तों, आपको पता होगा कि हर बार की तरह इस बार भी एक जो मीटिंग का आगाज़ होने जा रहा है वो जिला स्तर से होने जा रहा है, ताकि हमें संख्या बल का पता चले, हमारी ताकत कितनी स्ट्रेंथ है इस समय। तो यहाँ पे जितने चयनित अभ्यर्थी हैं अचयनित सभी यहाँ पे आएँ, और विशेष तौर पर महिला अभ्यर्थी अवश्य हैं, क्योंकि उनकी संख्या नदारद रहती है हर बार, वो सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग में हमें दिखाई पड़ती हैं, उसका जो गायब हो जाती हैं, जो कि कहीं ना कहीं हम सभी पुरुष अभ्यर्थियों को एक तरीके से अकेला छोड़ जाती हैं और इस लड़ाई में वो अपने आप को अलग कर लेती हैं। तो ऐसा नहीं आप कीजिए, आपकी भी सामूहिक भागीदारी इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आप सभी जो जो शीर्ष नेतृत्वकर्ता है उनके बात को अमल कीजिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये बात आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, आपकी भावी से जुड़ा हुआ है, आपके बाल बच्चे से जुड़ा हुआ है, और यहाँ तक कि आपका बहुत हद तक इस भाली से बात सामने आएगी। तो आप सभी चीज़ को लेकर आगे आइए। तो 1 सितंबर को जो मीटिंग है वहाँ पर DEO DPO एवं DM को ज्ञापन दिया जाएगा, वो ज्ञापन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, वो ऑलरेडी एक PDF फॉर्मेट में होगा, आपको उसे निकाल लेना है, सबके साइन करा के बस जिला वहाँ पे और जिला अधिकारी का नाम लिख के आपको वहाँ पे दे देना है। उनसे प्रमुख मांग लगाना है कि चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दे दिया जाए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि 2012 का जो नियमावली कहता है कि चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत नियोजन पत्र दिया जाए और वेतन आदि का भुगतान उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद किया जाए, जो कि सरकार यहाँ पे उल्टा कुछ करती नजर आ रही है और जांच के नाम पे उनको बरगला रही है बहुत लंबे समय से। दूसरी मांग, जो रिक्त सीटें हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले प्रधान सचिव ने समीक्षा बैठक की थी, वहाँ पे साफ साफ कहा था कि DEO DPO इस बात पर फैसला करें कि उनको तीसरा चरण कब लगाना है, तो ये मांग रखने की सर तीसरा चरण अति शीघ्र लगाना, ये दोनों मांगों को हम DEO DPO DM को देंगे, ताकि अगली बार जब भी उनकी समीक्षा बैठक हो तो इस मांग को DEO DPO प्रधान सचिव तक पहुंचा दे कि अभ्यर्थी ऐसी मांग को लेकर हमारे सामने आते हैं, महोदय इस मांग पर विचार किया जाए, जिससे शिक्षा विभाग त्वरित कार्रवाई इस मांग को लेकर करे। तो ऐसा ज्ञापन हम से अभ्यर्थी को 1 सितंबर को बिहार के 3800 जिलों में करनी है। तो इसलिए आप अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए, जितने हमारे यूट्यूबर्स हैं, फेसबुक एडमिन्स हैं, टेलीग्राम्स के एडमिन्स हैं, व्हाट्सअप के एडमिन्स हैं, जितने हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी इस मैसेज को सर्कुलेट कर दीजिए कि 1 तारीख को सभी जिलों में मीटिंग है। दूसरी तरफ
3 सितंबर को पटना में राजस्तरीय मीटिंग होगी जिसमें रणनीति रूपरेखा तैयार होगी, और 1 तारीख के बाद 3 तारीख को पटना में मीटिंग होगी, संभवतः या इको पार्क में होगी मीटिंग। यहाँ पे हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्वकर्ता, जिलाध्यक्ष, यहाँ तक कि जो कोर कमेटी के लोग हैं वो वहाँ पे जाएंगे, एक रणनीति बनाएंगे, टीम का चुनाव करेंगे, कैसे काम किया जाए इस पर निर्णय लेंगे और 5 सितंबर की तैयारियों में जुट जाएंगे। तो 3 तारीख को हमारे राज्य स्तर पर मीटिंग है और 1 तारीख को जिला स्तर पर मीटिंग है। तो ये 2 पॉइंट्स को लेकर हम सभी प्लानिंग कर रहे हैं। और उसके बाद हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है 5 सितंबर को पटना के गर्दनीबाग में शांतिपूर्ण धरना। दोस्तों 5 सितंबर को लेकर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी और एवं अन्य लोग जो इनके लिए काम कर रहे हैं, सभी ने एक परमिशन के काम तेज कर दिया है। यहाँ तक कुछ 2-3 पॉइंट्स रह गए हैं, उसके बाद आपको परमिशन मिल जाएगा। तो 5 सितंबर को शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर धरना होगा। हमारी 2 मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा, चयनित को अविलंब नियुक्ति पद दे दिया जाए, उनको जांच कराने पर लटकाया जाए। दूसरा कि जो 3rd राउंड काउंसलिंग की बात है, हमारे अभ्यर्थी छूटे हुए उनके लिए तत्काल इसका लागू कर दिया जाए। ये सारी मांग हमारे जिसके लिए 5 सितंबर को पटना के गर्दनीबाग में मीटिंग होगी। तो बहुत से अभ्यर्थी, ये मीटिंग हमारे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक चलेगा, तो इसलिए आप हर हाल में सुबह 9 बजे तक पटना के गर्दनीबाग में पहुँच जाइए। 20 तरह महिलाएं, पुरुष अभ्यर्थी भारी संख्या में, और इस चीज़ को आप फाइनल तब कीजिए जब आपका 1 सितंबर को जिला में मीटिंग हो जाए। वहाँ पर उनका लिस्ट तैयार कीजिए कौन कौन पटना जा रहा है, और वैसे टीम के ग्रुप में रखिए जो आपको हर समय साथ दे, अन्यथा जो सूचना है उनको बाहर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, और हमारी जो प्रमुख मांग आपको सामने लिखा हुआ, 1st मांग 3rd चरण जल्द लगे, यानी कि जो हमारे वंचित अभ्यर्थी उनकी 3rd राउंड जल्द लगे, और दूसरा चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी किया जाए, उनको जांच के नाम पर बरगलाया ना जाए, क्योंकि सरकार ये अपने मूल विज्ञापन से हटकर बात कर रही है करी, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप उनको जांच के नाम पर लटकाएंगे। क्योंकि दोस्तों मूल विज्ञापन था उसमें साफ साफ लिखा था कि 1 कॉलम नियोजन पत्र निर्गत करने का भी होता था, जो कि सरकार ने हटा दिया है। तो ऐसे में वो हमारा जाँच जितना मन उतना करे, लेकिन हमको नियुक्ति पत्र दे दे और वेतन का भुगतान जाँच के बात करे। इस बात को हम उनको कोर्ट से एफिडेविट देने को तैयार है कि हम लोग जेन्युइन है, गलती हो तो FIR कीजिए, जेल भेजिए महोदय, और रिकवरी कर लीजिए जितनी सैलरी आपने हमें दी है। तो ये सारी हमारी मांगे हैं। इसके अलावा हमारी कुछ पॉइंट्स प्लानिंग है जो हम स्ट्रेटेजी हमने तैयार की है, वो यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूँ और आगे वीडियो में भी आपको बताऊँगा। सबसे पहला है सभी जिलों में चयनित अभ्यर्थियों का ग्रुप बनाना, जिसमें जिस जिले में जिलाध्यक्ष नहीं है वहाँ नए जिलाध्यक्ष का चुनाव करना, या एक्टिव मेम्बर्स खुद इस चीज़ की जिम्मेदारी लेना। दोस्तों हर जिले में जो चयनित हैं अभ्यर्थी उनका ग्रुप बनाना, और अचयनित अभ्यर्थी भी उनके साथ आगे आना, और वहाँ पर इस चीज़ को स्ट्रेटजी करना कि कैसे पटना में इस कार्यक्रम में सफल बनाए, या उस दिन कैसे DM DO DPO ज्ञापन दे सबके हस्ताक्षर करके, और इस बात को मीडिया में छपवाएं, वहाँ के स्थानीय जिला स्तर पर जो मीडिया, प्रिंट मीडिया, पेपर, अखबार है या TV चैनल से, वहाँ पर इस रिपोर्टिंग को करें कि हम कितने परेशान हैं, उसकी कटिंग्स भी हम वायरल करें, साथ चार्ज के ट्विटर पे, YouTube पे चलाएं, ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे 1 सितंबर वाली जो मीटिंग हमारी जिला स्तर पे होने वाली है। और जहाँ पे जिला अध्यक्ष नहीं है वहाँ पे आप जिला अध्यक्ष का चुनाव कर लीजिए, या फिर कोई सक्रिय अभ्यर्थी खुद आगे आइए और इस चीज़ की कमान लीजिए जिम्मेदारी कि मैं इस चीज़ को पूरा मैनेज कर सकता हूँ। तो आप बखूबी वहाँ पे इस चीज़ को मैनेज कर लीजिए, और वहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप उसी का बनाइए जो एक्टिव हो, इनएक्टिव का नहीं। दूसरी बात, महिला चयन अभ्यर्थी की सहभागिता सुनिश्चित करना। दोस्तों हर आंदोलन की रीढ़ की हड्डी महिला अभ्यर्थी होती है, चाहे हमारी बाली खुलवाने वाली बात हो या काउंसलिंग गेट निकलवाने वाली बात हो, जितने भी आंदोलन हुए, लेकिन वहाँ पे एक बार 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 देखा गया है कि वही चेहरे में बार बार दिखाई पड़ते हैं, नए चेहरे में दिखाई नहीं पड़ते। क्योंकि वास्तविकता यह कि काउंसलिंग में वैसी महिलाएँ सामने निकल कर आई जो कि आज तक दिखी नहीं थी। तो ऐसी महिलाओं से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस बार आप पटना आइए, क्योंकि ये लड़ाई आपकी हक की लड़ाई है, मेरी ये किसी और की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अगर ऐसी होती हर अभ्यर्थी में घर में आराम कर रहा होता, आगे नहीं आता। तो सभी आगे आइए, किसी भरोसे मत रहिए, वो तो जा ही रहा है, मैं नहीं जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पापा मना करेंगे, मेरे हस्बैंड मना करेंगे। तो आप ही सोचिए, क्या काउंसलिंग समय आपको मना किया था वहाँ पर जाने के लिए? क्या जब उस समय मना नहीं किया तो अभी मना वो नहीं करेंगे? वहाँ पर शांतिपूर्ण होगा। तो महिला अभ्यर्थी विशेष रिक्वेस्ट है कि आप लोग 5 सितंबर को पटना अवश्य ही आइए। आपकी संख्या बल उसे निर्धारित कर देगी कि कितनी जल्द विभाग इन दोनों मांगों पर विचार कर रही है और नियुक्ति पत्र और 3rd काउंसिल लगाने जा रही है। तो इस बात को प्रमुखता से आप मानिए। अगला बात है, आप देखेंगे आप चयनित एवं अचयनित में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सामूहिक प्रयास से आंदोलन सफल बनाना।
दोस्तों हमारे बीच किसी प्रकार का मनमुटाव, भेदभाव, क्योंकि हम सभी इस बहाली के अंग हैं और हम सभी ने बराबर प्रयास इस बहाली के लिए किया है। वो थोड़ा सिस्टम का दोष हम कह सकते हैं, सरकारी गलत नीति का दोष है, कुछ अभ्यर्थी हमारे छूट गए हैं, लेकिन पूरी उम्मीद हमें है कि थर्ड राउंड में उनका चयन हो जाएगा, तो हमारे बीच चयनित अचयनित में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, इस बात को जिला अध्यक्ष या और एक्टिव मेंबर्स इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दोनों की सहभागिता इस बहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में हम सभी एक है इस बात को लेकर चलना है। बस हमारी दो मांगें हैं कि नियुक्ति पत्र जल्द दे दिया जाए और थर्ड काउंसिल लगा दिया जाए। ये दोनों मांग हमें चाहे चयनित हो अचयनित दोनों को सरकार से करनी है। अगला पॉइंट यहाँ पे है बैनर, तख्ती, स्लोगन आदि बनाना जिसमें मीडिया की नज़र उस पर जाने में, पोस्टर बनाना। दोस्तों हमें बैनर स्लोगन्स बनाने बड़े, जो हम एक तख्ती लेके खड़े रहेंगे ताकि मीडिया कैमरा उसे फोकस हो कि सरकार कितना हमें परेशान कर रही है। हर तरह के बैनर स्लोगन्स लिखना, आपने कितना दुख झेला है उसको भी उस पर लिखना, और हर विद्यार्थ में एक बैनर तख्ती स्लोगन होना, जिससे कि मीडिया हमारी बातों को कम ध्यान देकर स्लोगन का पर ध्यान ज़्यादा जाए, उसी बात को दिखाए कितने व्यक्ति परेशान है जो कि अपनी बात को लिखित रूप में प्रदर्शित यहाँ पे कर रहे हैं। तो इन बातों को प्रमुखता से हर व्यक्ति बनाना, जिला स्तर पे स्लोगन्स तख्ती वगैरह तैयार कर लेना ताकि पटना में इसकी कमी ना हो और इस चीज़ को हम प्रमुखता से दिखाएं। अगला पॉइंट है शीर्ष नेतृत्वकर्ता की बातों को मानना, उपद्रव ना मचाना, असामाजिक तत्वों से दूर रहना। देखिए दोस्तों, जो हमारे शीर्ष नेतृत्वकर्ता जिन्होंने इस आंदोलन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई है, जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हर अभ्यर्थी का, चाहे चयनित और चयनित, कि हम उनकी बातों को माने, हम किसी प्रकार का उपद्रव ना मनाएं। वहाँ पे जो डिसिप्लिन कमेटी कहेगी उनकी बातों को गौर से फरमाएं, क्योंकि हमारे बीच कुछ असामाजिक तत्व आ सकते हैं जो इस आंदोलन में खलल डालेंगे, इसको अलग दिशा या मोड़ देने की कोशिश करेंगे, तो वैसा हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें सरकार को एक अल्टीमेटम देना है कि सर हमारी संख्या आज भी उतनी है जितनी पहले थी, और आज हम उतने हिम्मत वाले जितने पहले थे, अगर आपने हमारी मांग को नहीं माना, ये तो एक अल्टीमेटम था, ट्रेलर था फिल्म का, सर पूरी फिल्म आपको बहुत जल्द दिखा देंगे 5 सितंबर के बाद, तो ये सारी बात आपकी संख्या बल पर निर्भर करेगी मेरे दोस्तों। तो इसके लिए हमें वहाँ पे शांतिपूर्ण सरकार को एक अपना प्रदर्शन दिखाना है कि अब हम शिक्षक बन गए हैं या बनने वाले हैं, तो हमें एक मर्यादा में रहकर ही सारा काम करना होगा, अब मर्यादित रूप से कुछ भी नहीं करना होगा, इस बात को हर अभ्यर्थी जान ले। आगे हैं मीडिया कवरेज के लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साथ देना। जो हमारे मीडिया कर्मी के जिस कई सारे हमारे साथी हैं जो कि हमें से मीडिया कवरेज काफ़ी अच्छे तरीके से कराते हैं, उनका दायित्व तो बनता है और फर्ज बनता है हम सभी को उनका साथ देना कि मीडिया कवरेज हर एक चीज़ पर बहुत ज़बरदस्त हो, क्योंकि मीडिया की बात आम जनता तक, सरकार तक पहुँचती है, और ऐसे में उन्हीं मांग के बदौलत बिहार की जनता एक अपनी राय देती है और ऐसे में सरकार उसको मानने को मजबूर हो जाती है। ऐसे में मीडिया की जो रिपोर्ट प्रिंट मीडिया या पेपर अखबार के माध्यम से, चाहे हमारा 1 तारीख का जिला स्तर मीटिंग हो वो पेपर में छपवाना, 3 तारीख का वो छपवाना, 5 सितंबर का वो वहाँ पटना में तमाम मीडिया कर्मी को हमें बुला लेना और बाइट देना दो मांगों के लिए, और इस चीज़ के लिए हमें अभी से काम करना होगा। जितने हमारे दोस्त वगैरह, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, फेसबुक एडमिन्स, यूट्यूब चैनल्स के दोस्त मेरे, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स की टेलीग्राम पे, सभी इस चीज़ को बहुत सर्कुलेट कर दीजिए। आप पोस्टर बनाइए 1 सितंबर को जिला स्तरीय मीटिंग, 3 सितंबर को पटना में राज्य स्तरीय मीटिंग, 5 को पटना में धरना, तो ये सभी बातें आप अभी से सर्कुलेट कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुँचे, और एक एक लोगों को कन्वेंस कीजिए इस आंदोलन में आने के लिए, क्योंकि उस सभी को नौकरी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष को नौकरी नहीं चाहिए, और आपकी सामूहिक भागीदारी इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने वाली है। मैं विशेष तौर पर इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, सभी गिले शिकवे भूल कर सभी एक साथ पुनः एक साथ आगे आ जाएं और सरकार को इस बार अपनी एकता का परिचय दिखा जाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों संतुष्ट होंगे, कोई भी सुझाव वो कमेंट में दे सकते हैं और मैं आपको लगातार आगे ऐसी वीडियोज़ देता रहूँगा। इतना कहूँगा कि हम सभी अभ्यर्थी कोर टीम के मेंबर्स हैं, हमारे में किसी पर कोई भेदभाव नहीं है, लाखों अभ्यर्थियों की टीम है और लाखों अभ्यर्थियों की सामूहिक प्रयास ही हम इस बार 5 सितंबर को सफल होने जा रहे हैं। ऐसी हम लोग सोच रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हमारे साथ होने वाला है, इसके लिए हमें अभी से काम करना होगा। दोस्तों इस चीज़ के लिए आप सभी का तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इस चीज़ को सफल बनाएंगे और भारी से भारी संख्या में पटना आएंगे और जिला में आएंगे, या फिर पटना जो कोर टीम्स की मीटिंग 3 तारीख वहाँ भी आएंगे और हर पॉइंट्स को सरकार तक रखेंगे। थैंक यू।